मैंने एक तवा चूल्हे पे रखा है गरम होने के लिए। तो अच्छे से गरम हो गया है। ये बॉम्बे रवे बोलता है इसको। देखो इतना पतला पतला रवे होता है, इसको बॉम्बे रवे बोलते हैं। इधर मैंने 1 कप जितना लिया है। देखिए 1 कप में 1 कप जितना लिया है। अभी मैं इसको थोड़ा सा ड्राई करके फ्राई करूँगा कलर चेंज होने तक। देखिए रवा का कलर चेंज हो गया। तो मैं अभी इसको निकाल के नीचे रख दूंगा, थोड़ा ठंडे होने दिए। मैंने एक बनाले लिया है। इस बनाले को थोड़ा सा मैं तेल डालूंगा। तेल गर्म होने के बाद थोड़ा सा सरसों डालूंगा। सरसों अच्छे से पटने दे। देखिए सरसों अच्छे से पटने को स्टार्ट हो गया। अभी मैं देखिए 4-5 लहसुन डाल रहा हूँ इसमें, और एक देखिए आपका पत्ता, कड़ी पत्ता भी डाल रहा हूँ। कड़ी पत्ता डालने के बाद देखिए थोड़ा सा मतलब 1 चम्मच जितना मैं उदा का दाल डाल रहा हूँ। उदा दाल थोड़ा सा फ्राई होने दे। उदा दाल फ्राई होने के बाद 1 प्याज कट करके मैं डाल रहा हूँ इसमें। प्याज थोड़ा सा फ्राई होने दे। प्याज फ्राई होने के बाद इसी कप में मैंने 1 कप रवा लिया था, मैंने बॉम्बे रवे, उसी में मैं 2 कप पानी ले रहा हूँ और इसमें डाल रहा हूँ बना लेते। 2 कप पानी डाला मैंने। देखिए मैंने 1 टुकड़ा गुड़ लिया है, ये भी इसमें डालूँगा। थोड़ा सा नमक डालूँगा और ये पानी अच्छे से उबल आने दे और डाले हुए गुड़ भी मेल्ट होने दे। के अच्छे से उबल भी आ रहा है और मैंने डाला हुआ प्याज अच्छे से पक गया है। तो अभी मैं देखिए ये मैंने फ्राई करके रखा था ना, ये रवा डालूँगा अभी इसमें। देखिए ये रवा डालने के बाद अच्छे से मिक्स करने का। बहुत ही सिंपल तरीके का ये रवा उपमा है, बहुत ही सिंपल है, जल्दी से कर सकते हैं आप लोग। 5 मिनट में ये रवा उपमा रेडी हो जाएगा। ये मिक्स करते करते गाढ़ा हो जाएगा, जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा अच्छे से आग किया तो। ये अच्छे से पकना भी चाहिए। देखिए इतना गाढ़ा सा हो गया और अभी मैं देखो गाढ़ा होके अच्छे से रवा उपमा रेडी हो गया। चूल्हे से नीचे रखूँगा इसको और थोड़ा ठंडे होने के बाद खाऊँगा। देखिए कितना अच्छा सा रवा का उपमा रेडी हो गया। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत सिंपल तरीका है, हेल्थी ब्रेकफास्ट है।